हेलो फ्रेंड, आज किस वीडियो में बात करेंगे रूलर्स की, कि रूलर्स का क्या काम है, पर्पस, साइज, कॉस्ट, मटेरियल और वर्किंग के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। बात करते हैं रूलर्स की। रूलर्स इंट्रोडक्शन। रूलर्स को फुट्टे और पैमाने भी कहा जाता है। मेजरिंग टूल है रूलर्स। इसके द्वारा किसी भी जॉब का माप ले सकते हैं और ज़्यादातर सभी वर्कशॉप में रूलर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। पर्पस, रूलर से डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी जॉब की। रूलर का साइज़ 6 इंच, 12 इंच और 36 इंच तक होता है। 3 फुट से अधिक माप लेना हो तो मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। रूलर्स की कॉस्ट इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है, पर ये आपको बाज़ार में 20 रुपये से लेके 200 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं। रूलर्स का मटेरियल स्टील, स्प्रिंग स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और लकड़ी आदि के बनाए जाते हैं। रूलर्स की रीडिंग एक्यूरेसी 0.5 mm तक होती है। टाइप्स ऑफ रूलर। अकॉर्डिंग टू वर्क, रूलर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल। ज़्यादातर वर्कशॉप में इसी प्रकार के स्टील रूल का यूज़ होता है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल को आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग वक्राकार और राउंड जॉब को मापने के लिए किया जाता है। नैरो स्टील रूल। इस स्टील रूल की चौड़ाई कम होती है अदर स्टील रूल से। इसकी चौड़ाई 5 mm तक होती है। तंग जगह में माप लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे नालियाँ, खांचे, और इसकी लंबाई 12 इंच तक होती है। हुक रूल। हुक रूल के एक सिरे पर एक हुक लगा होता है। हुक रूल से होल एंड पाइप का इंटरनल सरफेस मेजरिंग हुक का यूज करते हैं। की शीट रूल। इसकी लंबाई 6 इंच, 12 इंच तक होती है। इसके एक तरफ चौड़ा रूल, दूसरी तरफ नैरो रूल जुड़ा होता है। राउंड जॉब और पाइप की बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ शाफ्ट पर की वे बनाने के लिए भी किया जाता है। शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल अलग अलग साइज के रूलों को सेट के रूप में होता है। इसको होल्डर से पकड़कर यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग तंग जगह और कीवे की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। फोल्डिंग रूल। इसको फोल्ड कर छोटा किया जा सकता है और सीधा करके बड़ा किया जा सकता है। इसको कारपेंटर वर्कशॉप में यूज करते हैं। कैलिपर रूल। इसका यूज जॉब की बाहरी और भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील टेप। इसका यूज प्लांट, रोड, लॉन्ग जॉब और जगह मापने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 25 फुट से 150 फुट तक होती है। नेक्स्ट है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल पैटर्न से सांचे में पिघली गर्म जॉब को मापने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से मेरे पास ये स्टैंडर्ड स्टील रूल है। इसकी लंबाई 12 इंच 30 सेंटीमीटर और 300 mm है। इसकी एक साइड इंच के निशान बने हुए हैं और दूसरी साइड सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं और mm के निशान बने हुए हैं। इसकी दूसरी साइड, इसकी रियर साइड में देखें तो एक कन्वर्जन टेबल दिया हुआ है। इसमें बताया है कि 1 इंच बराबर है 25.4
0.00 mm के बराबर होता है। रूलर्स को हमेशा ही सेफ्टी के साथ यूज़ करना चाहिए और अदर टूल से अलग रखना चाहिए। और स्टील रूल को हमेशा ही टूल स्टैंड पर हमेशा टांग कर रखें। इंच की लाइन खींची हुई है, मैं इसको अब मेज़र करके बताता हूँ स्टील रूल से। तो लाइन का मार्किंग पॉइंट और स्टील रूल का मार्किंग पॉइंट मैच करेंगे। इस तरह से ये 2 इंच आ रही है इसकी मेजरिंग, जैसा आप देख सकते हैं। अगर ऐसे कन्फर्म ना हो आपको तो आप 2 इंच से भी शुरू कर सकते हैं और लाइन का लास्ट पॉइंट मैच कर रहे हैं जिस पॉइंट के साथ, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा 2 इंच से 4 इंच तक ये मैच हुआ है। इसका मतलब ये 2 इंच का लाइन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।